So here I am with the next video on ionic equilibrium. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर JEE Advanced की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, स्पेशली हमारी रियल JEE Advanced सीरीज के क्वेश्चंस। ये टॉपिक्स अभी आयनिक स्टार्ट किया है हमने, और पोल डिस्कशन में भी हम अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको देते रहते हैं, जिसका हम डिस्कशन भी करेंगे एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। और आप बेनिफिट्स देखना चाहते हैं चैनल की तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट पार्ट टू ऑफ अवर आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था पीएच का वीक एसिड्स के लिए और वीक एसिड के मिक्सचर के लिए किया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर उसके लिए पीएच डिस्कशन किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक लाइक कार्बोनिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा, इनकी बातें करेंगे थोड़ी बहुत। हालांकि ये भी इजी टॉपिक है, पढ़े रहते हैं बच्चे इसको, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं। और जैसे H2SO4 थोड़ा एक स्पेशल है क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा है बट पॉलीप्रोटिक है। ये लोग कैसे हैं, ये वीक है, ये वीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, ये वीक है, ये लगभग पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन पॉलीप्रोटिक है। इसका केस हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, करेंगे लास्ट पार्ट। चलो H2CO3 SP3PO4, आपने पहले इसका डिसोसिएशन लिखना सीखना है, तो आता ही होगा आपको ये डिसोसिएशन लिखना, HCO3- और फिर ये HCO3- फर्दर डिसोसिएट हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ ये इस क्वेश्चंस को, मतलब ये टॉपिक्स को, ताकि जो 11th में भी एंटर किए हुए बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि उतने मैच्योर नहीं होते, उनको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ने पे चीजें समझ आती है, तो सबका फायदा होगा। तो देखो कंसंट्रेशन सी है, ये जीरो है, ये जीरो है, फिर धीरे से क्या होगा, C माइनस एक्स, तो ये कितना होगा, एक्स, ये होगा एक्स। अच्छा, अब ये HCO3- है लेकिन ये फर्दर इधर और डिसोसिएट हो जाएगा, कितना होगा। अब Ka1 और Ka2 के बारे में एक बात समझो कि वीक एसिड्स के लिए Ka1 हमेशा बहुत बड़ा होता है Ka2 से। मैं ये नहीं कह रहा कि Ka1 बहुत बड़ा होता है इंडिविजुअली, Ka1 की वैल्यू छोटी रहती है, पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन Ka2 की वैल्यू से काफी बड़ी होती है, क्योंकि Ka2 की वैल्यू इस तरह की रहती है, -7, -10, -8, -12, 10 की पावर में, इस तरह की वैल्यू होती है, इससे भी छोटी होती है कभी कभी। तो K2 जो होता है वो काफी छोटा होता है इन कंपैरिजन विद व्हाट Ka1। तो हम यहाँ पे इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, और ऑल्दो ये K1 K2 से बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है कि इस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और ये 100% डिसोसिएट हो जाए, उतना भी बड़ा नहीं, ये बात क्लियर हो गई। ये तो अलग एक्सटेंट में टूटेगा, वाई टूटा तो ये वाई बना, ये वाई बना और ये साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो x+y ये हुआ। अब व्हाट अप्रोक्सीमेशन वी कैन मेक हियर इज, यही समझना, यही सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्हाट अप्रोक्सीमेशन वी कैन मेक हियर इज, K1 बहुत बड़ा है तो K2 मतलब जो सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन है ये बहुत कम होगा, मतलब जो x होगा वो बहुत बड़ा होगा वाई से, ये भी मान सकते हैं हम, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है कि वाई बहुत छोटा होगा, तो एक्स प्लस वाई को रफली एक्स लिखो और इसको भी रफली एक्स लिखो, हाँ, और एक्स माइनस वाई को भी रफली एक्स लिखो, रफली। तो क्या बोल सकते हैं, तो हियर वी कैन से कि जो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है इट इज एक्चुअली H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज एक्चुअली X, मतलब जो pH है आप उसको पहले स्टेप से ही निकाल लो, कहने का मतलब ये पहले स्टेप से ही निकाल लो pH, इट इज एक्चुअली X। pH निकाले क्या, देखो निकाल, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज X और X कहाँ से आएगा, Ka1 से आएगा, Ka1 क्या है, Ka1 इज C-X। अच्छा, ये जो x होता है ये c के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक ठाक ही रहती है, 10 रेस्ट टू पावर -1, -2, -3,
ये एक्स उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, तो इसको सी मानो, और ये एक्स है और ये भी एक्स है रख ली, तो व्हाट यू कैन से के ए वन इज सी अल्फा स्क्वायर, के वन इज सॉरी एक्स स्क्वायर बाय सी ऐसा लिख सकते हैं, के वन इज एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाय सी, तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज अंडर रूट के ए वन इंटू सी, तो एक्स इज अंडर रूट के ए वन इंटू सी, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जब आप एक वीक एसिड मोनोक्रोटिक एसिड के लिए फॉर्मूला बनाते हो, वहां रूट के ए इंटू सी बनता है, यहाँ रूट के ए वन इंटू सी बनता है, और फिर पीएच निकालते हो, तो फाइनल कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो बेटा कि इस स्टेप को पीएच के लिए आप इग्नोर करें, पहले स्टेप से काम करें, पॉलीप्रोटिक एसिड्स में आपको पीएच इस तरह से मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट तो क्वेश्चन समझ आएगा। इसी तरह H3PO4 में जाओगे, H3PO4 में भी पहले स्टेप को ही कंसिडर करो, क्योंकि के ए वन बड़ा होता है के ए टू से बहुत, और के ए टू से के ए थ्री बहुत छोटा होता है फिर से, तो अगेन एच प्लस विल बी कंसिडर्ड ओनली फ्रॉम स्टेप वन, एच प्लस जो भी है पहले स्टेप से ही निकल के आ रहा है। थोड़ा पॉज करके भी सोचना, अगर समझ नहीं आया हो दो तीन बार पढ़ोगे तो दिमाग में आएंगी चीजें। अब चलो केस ऑफ H2SO4 मानते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं उसमें क्या अलग है। केस ऑफ H2SO4, H2SO4 देखो कुछ इस तरह का है तो पॉलीप्रोटिक टूटता भी है, पहले स्टेप में मान लो H प्लस और HSO4 माइनस, इसका जो Ka1 है ना ये वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, 10 रेस टू द पावर 7, 10 रेस टू पावर 8 ऐसा कुछ वैल्यू होता है इसका, वेरी लार्ज। तो के वन वेरी लार्ज है तो वी कैन इमेजिन दैट दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी तरह से आगे आ गया है, मतलब H2SO4 पहले स्टेप में ऑलमोस्ट पूरा टूट चुका है, वी कैन इमेजिन इट लाइक दिस, ये बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि के वन वेरी लार्ज है। अब HSO4 माइनस पे आओ, ये टूटेगा, ये बहुत छोटा नहीं होता, लेकिन SO4 2 माइनस, Ka2 जो होता है वो रफली 10 रेस टू द पावर माइनस 2 के आसपास होता है फॉर H2SO4। क्या करें यहाँ, देखो एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसे करो सीधे, जैसे दिया रहता है क्वेश्चन में फाइंड दी पीएच ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, तो एक को तरीका ये होता है कि आप ये मान लेते हो कि पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से टूट गया, तो H+ कितना आया 0.2 मोलर, और आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हो 0.2 मोलर और सॉल्व करने लगते हो, गलत तो नहीं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली ठीक है, बट अगर आप उसको दोनों K1 K2 को कंसिडर करके काम करोगे तो वैल्यू और अप्रोप्रिएट आएगी। तो H+ इधर आप 0.2 मोलर करके pH निकाल लेते हो, ठीक है गलत नहीं है, अगर K1 K2 नहीं दिया हुआ ऐसा तो वो आप ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब K2 मेंशन किया हुआ है तब क्या होगा, चलो देखते हैं। मान लो ये C है कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने यहाँ 0.1 बोला, यहाँ C है, ये 0 है 0 है, पहले स्टेप में कितना डिसोसिएट होगा, के वन वेरी लार्ज, अभी बताया आपको के वन वेरी लार्ज मतलब पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, ये कितना बचेगा जीरो, ये सी, हाँ अब ये सी है, अब यहाँ पे पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि के टू इज नॉट दैट लार्ज, बहुत छोटा भी नहीं है बट इट इज नॉट दैट लार्ज, तो सी माइनस एक्स, ये होगा एक्स, ये होगा एक्स, अच्छा यहाँ पे एक्स हुआ तो सी प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस सी साइमल्टेनियस। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, हियर यू कैन नॉट इग्नोर दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू सी, ओके हियर यू कैन नॉट इग्नोर दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू सी बिकॉज़ के2 इज नॉट दैट स्मॉल, एक्स बहुत छोटा नहीं है। तो H+ तो दिख रहा है, देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत लोगों के इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते H2SO4 के बारे में एक्चुअली क्या किया जाए, वो लोग ये करते हैं, गलत नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है अप्रोक्सीमेट ठीक आंसर आएगा बट दिस इज द करेक्ट वे। H plus is C plus X, C plus X. और यहाँ क्या मान रहे थे अपन, यहाँ मान रहे थे 2C,
टू सी और सी प्लस एक्स में थोड़ा अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा देखते। अब इस एक्स को कैसे निकाले इधर, अब एक्स को निकालने का एक ही तरीका है कि के टू के साथ इक्वेट करके निकालो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। चलो देखो क्या आएगा इधर, एक्स इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स अपॉन सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 रेस टू द पावर माइनस टू 0.01। ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू आएगी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, उतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा ये सॉल्व। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज करना, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी और उसके बाद आपकी h प्लस की वैल्यू आएगी जो कि c प्लस x होगी, जो कि c प्लस x होगी। और वहां के क्या रहा था, कंसिडरिंग इट नॉट कंसिडरिंग के ए टू, तब क्या रहा था एच प्लस सी प्लस सी। ऑब्वियसली ये जो एक्स आएगा वो इस सी से छोटा होगा, क्योंकि यहां हम कंप्लीट डिसोसिएशन दूसरे स्टेप में नहीं करा रहे। और जब हम ये इमेजिन करते हैं, के टू को कंसिडर नहीं करते हैं, तब हम दोनों स्टेप का कंप्लीट डिसोसिएशन मान के काम करते हैं। तो ऑब्वियसली हियर दिस एक्स विल बी लेस देन सी, ये जो एक्स आएगा ये सी से छोटा ही होगा, ये आप यहां से भी देख सकते हो। तो पीएच उतना भी ज्यादा नहीं होगा जितना आप यहाँ पे निकाल रहे थे, ऑल्दो आसपास की वैल्यू होगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, चीजें दिमाग में घुसी या कुछ कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इंटरेक्ट करेंगे कमेंट में तो मुझे भी थोड़ा समझ आएगा कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं या नहीं और उनको कितना क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।